बलरामपुर जिले के बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककना में लगभग एक महीना पहले युवक की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या का अपराध दर्ज किया था और दो लोगों रामू और सोनार साय को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर थाना क्षेत्र स्थित आम गांव की खुली खदान में परिवहन के लिए भंडारण किए गए कोयले में से लगभग 6 टन कोयला चोरी करने वाले जय कुमार साहू, भुवनेश्वर सूरज यादव, धर्मजीत तिर्की, सेव साय, लक्ष्मण तिर्की, कमल साय एवं शवन कुमार को रामानुज नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर 60,000 रूपए कीमत का 6.5 टन कोयला व 7 साइकिल को जब्त किया है। रायपुर से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरकी में लता साहू नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने शव यात्रा को रास्ते में रुकवा कर महिला के शव को पीएम के लिए भेजकर मृतका के गले पर मिले निशान के आधार पर मृतका के जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले में मंगलवार को कांकेर एसपी कार्यालय पहुंचकर एक इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। महिला नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय रावघाट एरिया कमेटी के पानी डोबिर एलओएस सदस्य पार्वती शोरी है। पार्वती शोरी ने मंगलवार को कांकेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। सूरजपुर जिले की प्रेमनगर थाना पुलिस ने भीड़ से भरे बस के अंदर एक महिला सवारी से सोने की मोहर चोरी कर बस से उतरकर भागते हुए ग्रामीणों की मदद से पकड़कर महिला चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाएं सोनिया, कौशल्या, धर्मी, रतनी, अंजलि को गिरफ्तार कर 50,000 रूपए कीमत की 2 मोहर को जब्त किया है। धमतरी जिले में मंगलवार को बाइक और रोड रोलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भखारा थाना क्षेत्र का है। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्लांटों को भेजे जाने वाले स्पंज आयरन को रास्ते में ट्रक ड्राइवर से गुप्त संधि कर की स्पंज आयरन चोरी करने वाले फरार 2 आरोपियों को रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बलौदाबाजार जिले के लवन चौक की पुलिस ने फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के इस गोरख धंधे में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र तैयार किया जाता था। 500 रूपए प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से लेकर किसी भी आदमी का पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बना देते थे। रायपुर पुलिस ने मंगलवार को तेलीबांधा इलाके में स्विफ्ट डिजायर कार से 42 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी कार चालक राकेश नागपुरे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी का आरोपी भिलाई के कोहका का रहने वाला है और ओडिशा से गांजा लेकर भिलाई जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी से पकड़े गए गांजे की कीमत 6,30,000 रूपए बताई जा रही है। रायपुर के ACCU व विधानसभा थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एयरगन और चाकू लेकर घूम रहे विकास उर्फ विक्की उर्फ गजनी साहू को सड्डू कॉलोनी स्थित मुनरदहा नाला के पास घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से एयरगन व चाकू बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सक्रिय थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में स्कूटी में गांजा रख कर उसे बेचने की फिराक में घूम रही महिला सुलक्षणा पांडे को स्कूटी से पकड़कर गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू व स्कूटी को जब्त कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या के मामले में खरसिया पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, यही वजह है कि कोरबा निवासी युवक गुलशन कुमार खरसिया की तीज कुमारी पटेल से मिलने निकला था। दोनों बातचीत कर रहे थे मगर रास्ते में ही फोन काट कर युवक ने जहर खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गयी। बालोद पुलिस ने मंगलवार को इंड्स वेयर इंडस्ट्रीज नाम की चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर्स अरुणेश और पालचंद चौरसिया को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी साल 2019 से फरार बताए जा रहे थे। इन्हें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य के विभिन्न जिलों की पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपियों पर करोड़ों रूपए की धोखाधड़ी का आरोप है। रायपुर में मुआ तालाब के पास मोटरसाइकिल से स्कूटी का हैंडल टकराने के कारण उपजे विवाद में गाली गलौज कर स्कूटी सवार को चाकू मारने वाले आरोपी रोहित बघेल को पंडरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में बस का इंतजार करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति बाबूराम खारा एवं पत्नी ललिता खारा के कब्जे से बोरी में रखे 57 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। आरोपी जब्त गांजा को मलकानगिरी उड़ीसा से लाकर जबलपुर मध्य प्रदेश ले जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में एक गर्भवती महिला ने अपने पति के शव को फैक्ट्री के बाहर रखकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने श्रमिक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति से 3 सितंबर से ठेकेदार रत्नेश मेहता लगातार काम कराता रहा और जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मरणासन्न अवस्था में उसे उसके घर के सामने सुबह 4 बजे छोड़कर चला गया। रायपुर नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। गुल बाजार के 10 बड़े थोक व्यापारियों की दुकानों में छापा मार कर 400 किलो नॉन वुवन पॉलिथीन जब्त की गई है। निगम के अमले ने मामले में 2 दुकानदारों से 10,000 रुपए और 1 दुकानदार से 2,000 रुपए जुर्माना वसूला है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर पुलिस ने बिना मंडी शुल्क अदा किए झारखंड राज्य जा रहे धान लोड 2 ट्रकों को पकड़ा। इसे कृषि उपज मंडी सूरजपुर की टीम ने जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया है। यहां बता दें कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मुहैया कराने की मंशा से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है। सरगुजा जिले के राजपुर प्याज परिवहन की यार्ड में इमारती लकड़ी तस्करी का राजफाश ग्रामीणों की सजगता से पुलिस ने किया है। पास्ता पुलिस ने झारखंड के पिकअप को वाहन चालक सहित पकड़कर 39 नग पटरा भी बरामद किया है। मामले में चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरजपुर जिले में भयाधान ब्लॉक के झिलमिली थाना अंतर्गत ग्राम दवना में तेज गति की रेस से भरी ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे गुस्सा ग्रामीणों ने भयाधान प्रतापपुर मार्ग को जाम कर दिया। तहसीलदार व थाना प्रभारी की बात नहीं मानने पर देर रात SDM सागर सिंह SDOP राजेश जोशी पहुंचे। उनकी समझाइश के बाद पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए तात्कालिक सहायता राशि देने के बाद जाम समाप्त हुआ। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर की है। पड़ोसी ने पहले तो अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर मुक्के बरसाए थे, फिर डंडे से उसे इतना पीटा कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में ग्राम वेद परसदा निवासी युवक को सामान्य सर्दी होने पर इंजेक्शन लगाने से हुए इन्फेक्शन के कारण जीवन मौत से संघर्ष कर रहे युवक
हेतराम पटेल के परिजनों की शिकायत पर मस्तूरी थाना पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर बंगाली डॉक्टर निखिल विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में सिम्स छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बार फिर डॉक्टर ने गंभीर मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से बीमार महिला परिसर में तड़पती रही। इसका पता चलने पर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जब जाकर लगभग दो घंटे बाद महिला को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। राजनांदगांव में गणेश पर्व और विसर्जन झांकी को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी है। आपराधिक घटनाओं की आशंका के बीच देर रात तक घूमने वालों और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। देर रात तक बेवजह घूमने वाले 27 लोगों पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। तखतपुर क्षेत्र में इन दिनों जंगली सुअरों के हमले तेज हो गए हैं। बुधवार को जंगली सुअरों के हमले से 4 ग्रामीण घायल हो गए। तखतपुर मुख्य मार्ग से लगे ग्राम बिनोरी में केले के बगीचे में काम करने गए ग्रामीणों पर जंगली सुअरों के झुंड ने हमला कर दिया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले की पाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के परिजनों की रिपोर्ट पर नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर भागकर ले जाने और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में चाकू लहराने वाले दो आदतन अपराधियों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार आरोपी दुर्गेश मांडले एवं सुभाष वर्मा को घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार करने में सुपेला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनकम टैक्स की एक टीम ने बुधवार सुबह रायपुर और रायगढ़ में अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। इसमें रायपुर के 50 से अधिक अफसरों की टीम शामिल है। रायपुर में शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर और ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। वहीं ऐश्वर्या किंगडम में आरके गुप्ता और उरला के लविस्ता में स्टील एंड पावर फैक्ट्री कारोबारी रामदास अग्रवाल, उनके पुत्र सुनील व अनिल के यहां इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापा मारा है। इसके अलावा रायगढ़ में नटवर रतेरिया व सीए अनिल अग्रवाल और खरसिया में कारोबारी मुकेश अग्रवाल के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास के समीप वार्ड 19 पदुम नगर के पास 6 सितंबर मंगलवार की दोपहर दिन दहाड़े महिला चेन स्नेचिंग की शिकार हो गई। दुपहिया वाहन पर सवार दो युवक सरयाम वारदात को अंजाम देकर रायपुर की ओर भाग निकले। पुलिस के हाथ आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, किंतु आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताए गए हैं।